Dizemos não ao racismo. Dizemos não ao racismo. Não ao racismo. Não ao racismo. No to racism. No to racism. No al racismo. आपने जो अभी ये वीडियो देखा, इसमें वर्ल्ड के कुछ टॉप फुटबॉलर्स, कुछ टॉप स्पोर्ट्स पर्सन्स रेसिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। रेसिज्म को हम लोग जातिवाद भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि रेसिज्म है क्या एंड हाउ वी कैन स्टॉप रेसिज्म एंड फाइट अगेंस्ट दोस बुलीज। व्हेन समथिंग हॉरिबल हैपेंस इन द वर्ल्ड, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल हु राइज ऑन दैट ओकेशन। फर्स्ट, जो एकजुट होके एक साथ होके उसके खिलाफ लड़ते हैं, एंड सेकेंड, जो पीछे छुपे बैठते हैं और इंटरनेट का सहारा लेते हैं और भद्दे एंड रेसिस्ट और रंग भेद वाले कमेंट्स करते हैं। ऐसे सारे केसेस सिर्फ इंडिया में नहीं है दोस्तों। आइए जानते हैं एक ऐसा केस जो कि एक फेमस फुटबॉलर मार्कस रैशफोर्ड के साथ हुआ। आइए जानते हैं उसके बारे में। मार्कस रैशफोर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड। ही प्लेस फॉर ए बिग क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द इंग्लिश नेशनल टीम, एंड ही हैज बीन अवार्डेड एज MBE। उन्हें MBE से नवाजा गया है, जो कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की तीसरी सबसे बड़ी अवार्ड है। बट कुछ दिन पहले उन्हें काफी रेसिज्म का सामना करना पड़ा व्हेन इंग्लैंड वाज डिफीटेड बाय इटली इन अ पेनल्टी शॉट आउट, जहां पे मार्कस रैशफोर्ड ने पेनल्टी मिस कर दी थी। उसके बाद उनको ट्विटर और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काफी हेट मैसेजेस भेजे गए, काफी हेट ट्वीट्स किए गए, और उनकी एक पेंटिंग तक को डिसमेंटल कर दिया गया, वहां तोड़फोड़ मचाया गया। उनके वॉल्स पे गंदी गंदी अभद्र भाषाएं लिखी गई और यहां तक उस वॉल्स को तोड़ने की भी कोशिश की गई। ऐसी एक पेनल्टी दोस्तों डेविड बेकहम, जो कि इंग्लैंड के और एक सुपरस्टार खिलाड़ी थे, उन्होंने मिस की थी, बट उनको किसी तरह का हेट या रेसिस्ट कमेंट सहने को नहीं मिले था। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो एज कंपेयरिंग डेविड बेकहम टू मार्कस रैशफोर्ड, क्या मार्कस रैशफोर्ड को रेसिस्ट कमेंट इसलिए सहना पड़ा जस्ट बिकॉज ही स्किन कलर वॉज ब्लैक, ही वॉज ए ब्लैक गाई एंड डेविड बेकहम वॉज ए वाइट गाई, ये आप तय करें। वॉट इज रेसिज्म? Racism is something that one community of people think that they are better than the other community, and simultaneously their actions also differs for the lower community they think. Racism यानी जातिवाद उसे कहते हैं जब कुछ जनजातियाँ या प्रजातियाँ अपने आप को कुछ जनजातियाँ से उत्कृष्ट मानती हैं या बढ़कर मानती हैं। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। Racism can be done in different manners. चलिए जानते हैं कुछ parts of racism and types of racism. फर्स्ट इज बायोलॉजिकल डिफरेंस, जिसमें स्किन कलर, बात करने की तरीके और ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंसेस, जिससे सबसे अच्छा एग्जांपल है देसीवाद, जिसे हम इंग्लिश में नेटिविज्म भी कहते हैं। सेकेंड इज कल्चरल डिफरेंस, इसमें कल्चर एंड ट्रेडिशंस के डिफरेंस आते हैं, इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारे देश में, इंडिया में कल्चरल डिफरेंस से बहुत मिसकंसेप्शंस पैदा होते हैं। हमारे देश में ही नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस, लॉट्स ऑफ बिहारीज, बंगालीज, मराठीज और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं, अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते हैं। कास्ट के बारे में तो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी बीन प्रिवलिंग फॉर द पास्ट 150 ईयर्स इन इंडिया, हमारे देश में। कास्ट एंड रिलीजियन इज अनदर वन जिसको लेके कितनी बहस होती है। द नेक्स्ट इज एवर्सिव रेसिज्म, जिसे हम प्रतिकूल जातिवाद भी कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी होने के कारण ये तरह का रेसिज्म उसे सहना पड़ता है। द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जिसे हम रंग भेद भी कहते हैं, कोई गोरा हो या काला हो, इट्स डिपेंड, टोटली डिपेंड अपॉन देट, उसकी नौकरी भी उसी तरह से मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द कलर। ये चीज़ें हमें ज़्यादातर अमेरिका में दिखती हैं, जहाँ अफ्रीकन्स एंड एशियंस को काफ़ी मुश्किलों सहने को आज तक पड़ा है, एंड दे आर ऑल्सो बीन नॉट गिवन द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इन देयर जॉब्स। इकोनॉमिक, जो डेवलप कंट्रीज है वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज से बेटर मानती हैं, एंड साइमल्टेनियसली द डेवलपिंग कंट्रीज थिंक दैट दे आर बेटर देन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड दैट्स हाउ इकोनॉमिक रेसिज्म एग्जिस्ट। इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू हैव कम फ्रॉम एंड वॉट यू हैव स्टडीड। So for example, if you have come from Africa in an American college, they will treat you differently just because
your education and the way of speaking is different from them. The last one is, according to me, is symbolic, which is also modernism. जिसमें schools, workplaces और even marriages से related जातिवाद शामिल है. जैसा मैंने आपको institutional racism के बारे में बताया, तो आइए एक ऐसा example देखते हैं जिसमें former president of USA Donald Trump एक Korean reporter को Chinese समझ के उसके साथ कैसी बातें कर रहे हैं. Everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day. Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. What, sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty Please question. Please go ahead. During इस वीडियो में जो जर्नलिस्ट थी, she was a Korean. But due to her appearance and the body structure and design, the president thought that she was a Chinese. And that's how racism starts. Even in our country, हमारे इंडिया में भी अगर आप देखें, there are so many beauty products ads going on. That वो बोलते हैं कि आपको 10 दिन में गोरा कर देंगे एंड योर अपीयरेंस विल चेंज, यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल एंड अदर. सो व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट समवन अकॉर्डिंग टू देयर कलर? हमें कलर से ही उनका एक्सेप्टेंस क्यों देखना है? व्हाई कांट वी एक्सेप्ट ए ब्लैक गर्ल और अ ब्लैक बॉय एंड मूव फॉरवर्ड विद लाइफ? ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना है. फ्रेंड्स, रेसिज्म हैज रिजल्टेड इनटू नंबर वन जेनोसाइड्स. जेनोसाइड्स को हम जाति संहार भी कहते हैं. ये कुछ कंट्रीज के लिस्ट हैं जिनमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रॉम 2019-20 दैट सबसे ज्यादा जेनोसाइड्स यहाँ होने के चांसेस हैं. सेकंड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया. दोस्तों, इंडिया की अगर बात करें तो देर हैव बीन लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन केसेस अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज बीन रिपोर्टेड इन 2019-20. सो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट हेल्पलाइन नंबर एंड फोरम्स भी यहाँ पे लागू कर दिया गया है एंड दे हैव स्टेटेड दैट इन द ईयर 2019-20 86% ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल वेयर असोल्टेड ड्यू टू देयर अपीयरेंस इन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे एंड बेंगलोर. इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इन 2014 वन गाय फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिज नेम वॉज निदो तानाइम, ही वॉज बिटन टू डेथ, उनकी हत्या कर दी गई थी. अगेन इन वन अनदर केस इन 2014 Two female from Manipur were assaulted and attacked just because of their appearance and some misconceptions. So these are the two. There are other many cases. I won't discuss ज़्यादा cases के बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि I will tell you how we can stop racism and we can make a better society. So we'll focus on that. Five things to stop racism. Number one, celebrating other cultures. Gain knowledge about other cultures के बारे में जाने, their food, festivals, language and beliefs. Second, stay away from hate speeches and bigotry. Bigotry को हम कट्टरता भी कहते हैं. You take examples of Facebook and WhatsApp. यहाँ पे आपने कितने सारे status देखते हैं जिसमें political views तो होते हैं but in a different way. वो काफी एक अपना एक reaction देते हैं उसमें, that is that gets transferred into religious beliefs, right? जो कि किसी एक कम्युनिटी को भी टारगेट करते हैं. सो स्टे अवे फ्रॉम दोस पोस्ट्स. थर्ड इज टीच चिल्ड्रन काइंडनेस एंड मेक देम मोर फ्रेंड्स. आस्क चिल्ड्रन टू मेक मोर फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन योर सोसाइटीज, गेट देम आउट टू प्ले विद देम एंड साइमल्टेनियसली दे विल लर्न मोर अबाउट देयर कल्चर. फोर्थ इज स्टैंड अप फॉर द पीपल बींग हैरेस्ड. सताए हुए जाने वाले लोगों के लिए खड़े हों एंड रेसिज्म जहां भी दिखे उसके खिलाफ बोले एंड फाइट अगेंस्ट दोस बुलीज. फिफ्थ इज एंड द लास्ट वन इज सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस लाइक यूनाइसेफ. यूनाइसेफ इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. थ्रू ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टैग देम व्हेन यू सी एनीथिंग लाइक रेसिज्म इन योर सोसाइटी, गो एंड टैग यूनाइसेफ, दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम. सो प्लीज गो एंड सपोर्ट एवरी वन. आपको कोई भी अगर दिखे कि ही सफरिंग फ्रॉम रेसिज्म, उसको ऊपर रेसिस्ट कमेंट किया जा रहा है कोई जाति को लेके या उसके कलर को लेके या उसके पहनावों के लेके, इवन उसके एडुकेशन को लेके, स्ट्रिक्ट टू इट, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम
एंड ऑल लाइव्स मैटर गाइस. आप दो सबसे बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस कह सकते हैं या महापुरुष, महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला, दे बूथ स्टूड अगेंस्ट रेसिज्म. गांधी जी फेस रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका एंड नेल्सन मंडेला, आपको सबको पता है, ही स्टूड फॉर द अफ्रीकन, टोटल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो सपोर्ट सच इनिशिएटिव्स एंड स्टैंड अगेंस्ट रेसिज्म. आई एम सेइंग इट अगेन बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव वर्ड. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, जस्ट शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. And let's create a better India, a greater world, and let's fight against racism and stand against racism. See you in my next video. Tab tak ke liye, Jai Hind.